फ्रेंड्स, बहुत सारे राइटर्स मुझसे कमेंट्स में और इंस्टाग्राम पर अक्सर पूछते रहते हैं कि क्या एक राइटर बनने के लिए सर्टिफिकेट्स होना ज़रूरी है। तो अगर आपके मन में भी कुछ इस तरह का डाउट है तो आप इस वीडियो को एक बार पूरा लास्ट तक देखिए, क्योंकि मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बातें सर्टिफिकेट से रिलेटेड बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आकाश रिजव और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और आप मुझसे अपने सवालों के जवाब पा सकते हैं कमेंट पर या फिर इंस्टाग्राम पर। तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कीजिए, मेरी इंस्टाग्राम आईडी की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स देखिए, होता क्या है कि जो एक नया राइटर रहता है उसके मन में बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। उसमें से एक डाउट ये भी है कि अगर वो अपने फिल्म इंडस्ट्री में एज अ राइटर कदम जमाना चाहता है तो क्या स्क्रिप्ट राइटिंग की नॉलेज के साथ साथ उसके पास कोई सर्टिफिकेट, कोई डिग्री होनी चाहिए स्क्रिप्ट राइटिंग की, तभी उसे स्क्रिप्ट राइटर के रूप में काम मिल सकता है। तो देखिए, इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, होता क्या है कि सर्टिफिकेट जो है ये बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स प्रोवाइड करते हैं। अगर आप ऑफलाइन कोर्स कर रहे हैं कहीं से, यानी आप खुद जा करके अगर कोर्स कर रहे हैं किसी इंस्टीट्यूट में स्क्रिप्ट राइटिंग की, तो वहाँ पर भी सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। और जब आप ऑनलाइन कोर्स करते हैं स्क्रिप्ट राइटिंग की, तो ऑनलाइन कोर्स में आप मान के चलिए कि 99% जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो ऑनलाइन कोर्स के लिए आपको कोई भी सर्टिफिकेट्स नहीं देते हैं। सिर्फ 1% इंस्टीट्यूट्स ही ऐसे हैं जो आपको ऑनलाइन कोर्स के लिए सर्टिफिकेट देते हैं। तो यहाँ पर बात यह है कि सर्टिफिकेट जो है इसकी वैल्यू कहाँ तक है। देखिए, सर्टिफिकेट की वैल्यू क्या है, सर्टिफिकेट आपके लिए बस एक प्लस पॉइंट है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। जैसे आप एक राइटर है, आप किसी प्रोड्यूसर के पास जाते हैं अपने स्क्रिप्ट को लेकर के, तो कभी भी वो आपका सर्टिफिकेट नहीं देखता है कि आपने किस इंस्टीट्यूट से डिग्री ली है या फिर आपके पास स्क्रिप्ट राइटिंग का सर्टिफिकेट है या नहीं, ये सब वो नहीं देखता है। वो डायरेक्टली आपसे बोलेगा कि आप अपना सिनॉप्सिस सुनाइए या फिर अपना प्लॉट सुनाइए या फिर अपना स्टोरी सुनाइए या फिर स्क्रीन प्ले सुनाइए। तो इसी टॉपिक पर वो डायरेक्टली बात करेगा, वो कभी भी ये नहीं बोलेगा कि आप किस इंस्टीट्यूट से सीख करके आए हैं या फिर आपको कोई सर्टिफिकेट दिखाना होगा स्क्रीन प्ले राइटिंग की, तभी मैं आपको नरेशन करने की परमिशन दूंगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है किसी भी इंस्टीट्यूट की, अगर आपने कोई कोर्स किया है जा करके, क्योंकि देखिए ऑनलाइन में तो मान के चलिए कि आपको कहीं से भी जो सर्टिफिकेट रहता है वो नहीं मिलता है, लेकिन ऑनलाइन कोर्स भी आजकल बहुत सारे लोग करते हैं और ऑनलाइन कोर्स जो है ये बेनिफिशियल भी है, क्योंकि घर बैठे आप स्क्रिप्ट राइटिंग की या फिर किसी भी चीज़ की नॉलेज लेते हैं। तो ऑनलाइन कोर्स आजकल बहुत सारे जगह पर चला हुआ है, तो ऑनलाइन कोर्स बहुत सारे राइटर कर रहे हैं। तो ऑनलाइन कोर्स के अलावा जो राइटर्स बनना चाहते हैं, तो वो लोग जब जा करके खुद ऑफलाइन कोर्स करते हैं तो उसमें क्या होता है कि उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाता है, तो वो सर्टिफिकेट उनके लिए एक प्लस पॉइंट का काम करता है। यानी जब वो जाते हैं प्रोड्यूसर के पास तो वो उन्हें दिखा सकते हैं, खुद अपनी मर्जी से दिखा सकते हैं कि सर देखिए मैंने इस तरह का काम किया है, मैंने सीखा है यहाँ से स्क्रिप्ट राइटिंग, तो ये रहा मेरा सर्टिफिकेट, तो ये आपको आप वहाँ पर दिखा सकते हैं। लेकिन हाँ, ये याद रखिए कि आप कभी भी इस बात से मायूस कभी भी बिल्कुल मत होइएगा कि मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है तो मैं फिल्म इंडस्ट्री में एज अ राइटर स्थापित नहीं हो पाऊंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अगर किसी भी इंस्टीट्यूट से नहीं भी सीखेंगे, आपने कोई ऑनलाइन कोर्स किया है या फिर आप यूट्यूब वीडियोस देख रहे हैं, बस बात यह है कि आपको स्क्रिप्ट राइटिंग अच्छे से आनी चाहिए। आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं होगा चलेगा, लेकिन आपको स्क्रिप्ट राइटिंग अच्छे से आनी चाहिए। अब आपके पास सर्टिफिकेट भी नहीं है, आपको स्क्रिप्ट राइटिंग आती भी नहीं है, तो फिर तो जाहिर सी बात है कि आपका वर्क जो है वो सेलेक्ट नहीं होगा। यही आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन आपने बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से स्क्रिप्ट को लिखा है, आपको प्रोफेशनल स्क्रिप्ट राइटिंग आती है, तो ये जो बात है ये जो प्रोड्यूसर है उसके दिमाग में फिट बैठ जाती है और वो समझ जाता है कि चलिए ये कोर्स नहीं किया कोई बात नहीं है, इसे स्क्रिप्ट राइटिंग अच्छे से आती है, तो वो आपके स्क्रिप्ट पर ध्यान देता है। और याद रखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए या फिर किसी भी फिल्म मेकिंग से रिलेटेड किसी भी आप जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप डायरेक्शन में जाते हैं या फिर एडिटिंग में जाते हैं, तो किसी भी फील्ड में आप जाते हैं फिल्म मेकिंग से रिलेटेड, तो वहाँ आपसे सर्टिफिकेट कोई भी नहीं मांगता है, वो आपके लिए बस एक प्लस पॉइंट का काम करता है। तो वो आपका वर्क देखेंगे कि आप क्या कर रहे हैं अभी, क्योंकि आजकल देखिए सभी फील्ड्स में, चाहे आप फिल्म मेकिंग की भी बात छोड़ दीजिए, तो आजकल सभी फील्ड्स में क्या होता है कि टेस्ट होता है। जैसे आप मान लीजिए कि कोई जॉब के लिए आप अप्लाई करते हैं, तो वो तो आपका जो बायोडाटा होता है वो तो देखते ही है, लेकिन बायोडाटा के साथ साथ वो क्या होता है, वो आपका टेस्ट लेते हैं उसी समय आपका इंटरव्यू लेते हैं, आपका रिटन टेस्ट लेते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आजकल डिग्री लेना क्या हो गया है कि डिग्री बहुत सारे लोग जो है वो फेक भी ले लेते हैं,
तो फेक डिग्रीज के कारण आजकल ऐसा किया जाता है। तो आपने अगर मान लीजिए कि फिल्म मेकिंग का या फिर स्क्रिप्ट राइटिंग का बिल्कुल जेन्युइन डिग्री लिया है तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाएगा, आप उसे दिखा सकते हैं प्रोड्यूसर्स को। आपने नहीं भी लिया है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप बिल्कुल निफिक्र रहे, आप अपने स्क्रिप्ट राइटिंग की नॉलेज लेने पर ध्यान दें। आप जितना ज्यादा नॉलेज लेंगे उतना ज्यादा चांसेस बनेंगे कि आपकी स्क्रिप्ट सेलेक्ट हो जाएगी। ये बिल्कुल सर्टिफिकेट पर डिपेंड नहीं करता है कि आपकी स्क्रिप्ट सेलेक्ट हो जाएगी, आपकी स्क्रिप्ट जितनी अच्छी रहेगी, आपने उसे जितने अच्छे से लिखा है, आपकी कहानी जितनी अच्छी रहेगी, आपका कॉन्सेप्ट जितना अच्छा रहेगा, वो डिटरमाइन करेगा कि आपकी स्क्रिप्ट जो है वो सेलेक्ट होगी या नहीं होगी। और जहां तक ऑनलाइन कोर्स की बात रही तो मैं भी ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट करने वाला हूं, उसकी पूरी तैयारी चल रही है और मैंने सोचा था कि जल्द से जल्द ऑनलाइन कोर्स मैं ला सकूं, लेकिन यही लॉकडाउन जो बीच में हो गया उसके कारण से मुझे परेशानी हो रही है। तो ऑनलाइन कोर्स मैं स्क्रिप्ट राइटिंग की डिज़ाइन करवा रहा हूं और मैं कोशिश करूंगा कि कुछ महीनों के अंदर ऑनलाइन कोर्स जो है वो आप तक पहुंच जाए। तो चलिए, अब आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी कि सर्टिफिकेट जो है वो किसी भी तरीके से ये एकदम ज़रूरी नहीं है कि आपके पास होना ही चाहिए। अगर सर्टिफिकेट आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो आप स्क्रिप्ट राइटिंग पर ध्यान दीजिए और बिल्कुल नॉलेज लीजिए अच्छे सी। तो अच्छे से आप नॉलेज ले लेंगे तो आप बिल्कुल एक सफल राइटर बन जाएंगे। तो जल्दी से कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और शेयर। फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप प्रोफेशनल तरीके से स्क्रीन प्ले राइटिंग सीखना चाहते हैं तो आप फिल्म राइटर डायरेक्टर आकाश रजक द्वारा लिखी गई इस पुस्तक को जरूर पढ़ें। इस पुस्तक का नाम है कॉन्सेप्ट से स्क्रीन प्ले तक का सफर। इस पुस्तक में आपको कॉन्सेप्ट, वन लाइनर स्टोरी, स्टोरी, स्क्रीन प्ले कैसे लिखी जाती है ये बताया गया है और सबके सैंपल्स भी दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारे टॉपिक्स भी दिए गए हैं जो एक राइटर के लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसकी प्राइस भी बहुत अफोर्डेबल है। इस बुक को आप जरूर खरीद कर पढ़े। खरीदने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी, उससे आप परचेज कर सकते हैं। आप इस बुक को खरीदने के बाद अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में आसानी से पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।